पैन ले लिया, इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, तीन दो से तीन खाने के चम्मच, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। सबसे पहले शामिल करेंगे प्याज चॉप किया हुआ, थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई जस्ट अबाउट 2-3 मिनट्स, ब्राउन नहीं करना है। प्याज जब तक हो रहा है फ्राई, इसमें एक खाने का चम्मच हम शामिल कर देंगे लहसुन भी, और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। इसके बाद इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये कीमा गाय का 1/2 किलो, और इसको भी आप चिकन मटन किसी भी कीमे के साथ बना सकते हैं। और ये लीजिए, इसको हमने थोड़ा सा ज़रा फैला दिया, इसको हमने थोड़ा सा पहले तेज़ आंच पे भुना। अच्छा, कीमा जब भी लेके आए बाज़ार से, इनकेस बाज़ार से अगर आप तैयार कीमा लेके आते हैं, देर रखे नहीं बिल्कुल, उसको लाएँ और पकाएँ फ़ौरन, और तेज़ आँच पर इसकी पहली भुनाई करें। इसमें शामिल कर दिया तकरीबन 1-2 कप पानी, बस। इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा नमक अभी शामिल करेंगे, नमक को हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे। इसको मिक्स किया और इसको हम कर देते हैं कवर, धीमी आंच पे 10 मिनट पकेगा, 10 मिनट के अंदर हो जाएगा तैयार। और काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, दैट्स इट। इसको मिक्स कर लिया और बिल्कुल खुश्क हो गया पानी इसका, चूल्हा कर देते हैं बंद, और ये कीमा आ जाएगा इस पैन में, और ये पैन चला जाएगा फ्रिज में। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये मुकम्मल तौर पे जब तक ठंडा नहीं होगा आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये रेंज, और इसके बाद ये कीमा गया फ्रिज में, इसको मैं थोड़ा ठंडा कर लूँ। बाकी कीमे के अंदर पनीर जो है वो मिक्स कर दें, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया। ये आ गया हमारा अरेबिक पराठा, सिंपल चपाती, जो आटा आप गूंथते हैं घर में चपाती के लिए, एग्जैक्टली वही आटा। इतना हमने इसमें अंडा रखा, मेन जो इसका मिक्स है वो ये कीमा और पनीर, देसी धनिया, ये हमने इसकी फिलिंग रखी। इसके बाद सिंपली इसको ये रैप कर देना, देखें ये किया, और इसके बाद इसको हमने यहाँ से बंद कर देना है आराम से, ये तो ये पार्सल नुमा बन जाएगा। ये देखें, इसको बंद किया यहाँ से, और इसको फिर यहाँ से, बस। और इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके ये हमारा बन गया अरबिक पराठा। इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि इसका जो फिलिंग है वो हर तरफ पहुँच जाए। इसके बाद लेके सिंपल ये पैन, मैंने चूल्हा पहले से ऑन करके रखा हुआ था, पैन हो गया गरम, फ्राइंग पैन हो, तवा हो, सिंपली पहले जो ये साइड थी इसको हमने यहाँ पर रख के इसको पहले इस साइड को थोड़ा सा पकाना है, फिर दूसरी साइड, और इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल शामिल कर रहा हूँ, ये रे हल्का, और इसको टर्न कर लिया, और बस हल्का ऑयल, बहुत कम रखना है, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए, हल्का सा बस। Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.